हेलो दोस्तों फ्रेंड्स, क्या हाल सभी लोग, वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। दोस्तों आज की इस वीडियो में ना मैं आप लोगों को बताने जा रहा हूँ कुछ ऐसे गेम जिनमें आप लोगों को खतरों का खिलाड़ी बनना है, यानी कि ऐसे गेम जहाँ पे आप लोगों को सर्वाइव करना है। क्योंकि आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं टॉप 10 सर्वाइवल गेम्स जो कि आप लोग अपने मोबाइल फोन पे खेलने वाले हो। ये सारे गेम्स काफी अच्छे तो रहने ही वाले हैं और आप लोगों को डेफिनेटली पसंद भी आने वाले हैं। वीडियो शुरू करने से पहले ये कहूंगा कि मेरे दूसरे चैनल यानी कि गेमरिज्म को अभी तक सब्सक्राइब नहीं मारा तो जाके वहाँ पे सब्सक्राइब मार दो, वहाँ पे पीसी और कंसोल गेमिंग के रिलेटेड वीडियोस आते रहते हैं। तो दोस्तों आप सीट बेल्ट कस लो, ये शुरू करने वाले आज का वीडियो। दोस्तों अपनी लिस्ट के नंबर फर्स्ट में निकल के आता है सर्वाइवल ऑन रैफ्ट। अब आप लोगों ने सुना होगा पीसी और कंसोल का टाइटल द रैफ्ट, जहाँ पे आप लोगों को एक समुंदर देखने को मिल जाता है और समुंदर के ऊपर आप लोग एक छोटे से फट्टे के ऊपर होते हो और उसको आप लोगों ने क्राफ्ट करना होता है, बिल्ड करना होता है अपने लिए, वो पूरा का पूरा एक शेल्टर उसको बना रहा होता है। यानी कि आप लोगों ने यहाँ पे मछलियों से शार्क वगैरह से तो बचना ही है, साथ में आप लोग डिफरेंट आइलैंड एक्सप्लोर करने वाले हो। इसी के साथ में आप लोगों को क्राफ्टिंग करनी है और यहाँ पे एक सबसे ज्यादा अच्छी चीज मुझे ऐसी लगती है कि यहाँ पे आप लोगों को बहुत सारी डिफरेंट चीजें मिल जाती हैं, यानी कि समुद्र में जो पड़ी होती हैं तो आप लोग उनको खींच के अपने तक ला सकते हो और फिर उससे जो चाहे बना सकते हो। गेम का साइज यहाँ पे रहने वाला 333 MB, गेम ऑफलाइन है। अब बढ़ा जाए दोस्तों अपने लिस्ट के नंबर सेकंड गेम की तरफ, तो हमारे पास है प्रोजेक्ट अराइवल। अब हाल फिलहाल के दिनों में रिलीज होने वाला ये गेम आप लोगों को काफी ज्यादा पसंद आने वाला है, क्योंकि इस गेम में आप लोगों को फ्यूचरिस्टिक एनवायरनमेंट देखने को मिलेगा। यहाँ पे आप लोगों को दिखाया जा रहा है 2050 का एरा, जहाँ पे एलियन ने इन्वेड कर दिया और आप लोगों के पास अब बहुत ही कम ह्यूमन बचे हैं, यानी कि बहुत ही कम ह्यूमन की स्पीशी बची है और बाकी सारे एलियंस वगैरह ने पूरे के पूरे अर्थ को टेक ओवर कर लिया है। तो आप लोगों ने यहाँ पे एक स्टोरी लाइन को प्ले करना है, साथ में सर्वाइव करना है और भाई क्या गजब के सिनेमैटिक्स आते हैं इस गेम के अंदर के मजा ही आ जाता है गेम खेल के। गेम का साइज थोड़ा सा ज्यादा है, इनके 4.2 GB के आसपास रहने वाला है गेम का साइज और गेम ऑनलाइन रहेगा। अब बढ़ते हैं दोस्तों आगे बात करते हैं इसके नंबर थर्ड गेम की, तो हमारे पास है ग्रैंड सर्वाइवल। अब ये भी एक ऐसा गेम होने वाला है जिसमें आप लोगों को पानी और ओशन देखने को मिलेगा, यानी कि ये आप लोगों को एक ड्रोन व्यू कैमरा एंगल के साथ देखने को मिलता है। गेम जिसमें आप लोगों को राफ्ट की तरह ही सर्वाइव करना है, अपने लिए क्राफ्टिंग करनी है और ढेर सारे मजे करने हैं। गेम के ग्राफिक्स आप लोगों को एनिमेटेड स्टाइल के देखने को मिलेंगे, लेकिन वो काफी ज्यादा एडिक्टिव स्टाइल के हैं, यानी कि आप लोग खेलोगे एक दफा गेम तो डेफिनेटली आपको भी पसंद आएगा। गेम का साइज यहाँ पे रहने वाला 350 MB और ये गेम भी ऑफलाइन रहेगा। तो गाइस बढ़ते हैं आगे बात करते हैं इसके नंबर फोर्थ गेम की, जो कि हमारे पास ज़ॉम्बीस्ट। अब अगर आप लोग कोई पोस्ट अपोकैलिप्टिक ज़ॉम्बी शूटर गेम ढूंढ रहे हो तो आप लोग सही जगह पे आए हो, यानी कि ये गेम आप लोगों को एक FPS शूटिंग वाला मजा तो देने ही वाला है, वो भी एक ज़ॉम्बी वाले एनवायरनमेंट में। यानी कि आप लोगों को फ्री टू मूव एक ओपन वर्ल्ड एनवायरनमेंट देखने को मिलेगा, जहाँ पे आप लोगों ने आगे बढ़ना है और डिफरेंट ज़ॉम्बीज को खत्म करना है। बहुत सारे डिफरेंट लोकेशन पे आप जाओगे और ज़ॉम्बीज का खात्मा करोगे। गेम का साइज यहाँ पे रहने वाला है पूरा का पूरा 400 MB और गेम ऑफलाइन रहेगा। अब देवी और संजनो बढ़ते हैं हम इसी के साथ में आगे बात करते हैं इसके नंबर फिफ्थ गेम की, जो कि हमारे पास नो वे टू डाई। अब गेम के नाम में ही आप लोगों को देखने को मिल जाता है कि आप लोगों के पास कोई चांस ही नहीं है मरने का, यानी कि इस गेम में आप लोगों को एक ड्रोन कैमरा एंगल देखने को मिलता है, जहाँ पे आप लोगों को एक काफी ज्यादा बड़ा ओपन वर्ल्ड एनवायरनमेंट भी देखने को मिल जाता है, जहाँ पे आप लोगों ने सर्वाइव करना है। अब यहाँ पे ढेरों सारे आप लोगों को मॉन्स्टर क्रिएचर्स और एक अपोजिंग फोर्सेज देखने को मिल जाती है, जो कि इंसान ही है लेकिन वो आपको भी टेक डाउन करने के प्लान कर रहे हैं। तो आप लोगों ने उनसे भी बचना है, ज़ॉम्बी से भी बचना है, सर्वाइवल भी करना है, क्राफ्ट भी करना है अपने लिए, आप लोगों ने शेल्टर भी बिल्ड करना है और बहुत कुछ करना है। गेम का साइज यहाँ पे रहने वाला दोस्तों पूरा का पूरा 320 MB और ये गेम भी ऑफलाइन रहेगा। अब दोस्तों इसी के साथ में हम बढ़ते हैं आगे बात करते हैं इसके नंबर सिक्स गेम की, जो कि हमारे पास लास्ट पायरेट। अब यहाँ भी एक आप लोगों को बहुत ज्यादा अमेजिंग ग्राफिक्स के साथ एक सर्वाइवल गेम देखने को मिलता है, जहाँ पे आप लोग एक आइलैंड पे फंस चुके हो और अब उस आइलैंड पे आप लोगों को जिंदा रहना है, यानी कि आप लोग क्राफ्टिंग करोगे, सर्वाइव करोगे। यहाँ पे आप लोगों को ज़ॉम्बीज़ नहीं देखने को मिलते, लेकिन आप लोगों का जो इन्वायरमेंट है वही आप लोगों का दुश्मन है, यानी कि आप लोगों ने अपने लिए चीजें तलाश करनी है और खाना पीना टाइम पे खाना है, वरना आप लोग मर जाओगे। गेम का साइज यहाँ पे दोस्तों रहने वाला है 280 MB और ये गेम भी ऑफलाइन ही रहेगा। अब गाइस इसी के साथ हम बढ़ते हैं आगे बात करते हैं इसके नंबर सेवन गेम की, जो कि है हमारे पास फेडिंग सिटी। अब भाई साहब नेटिल वालों ने ये क्या ही गेम बना दिया है, यानी कि इतने हाई ग्राफिक्स और इतनी अमेजिंग क्वालिटी का एक ओपन वर्ल्ड गेम आप लोगों को अपने फोन के ऊपर देखने को मिल रहा है, तो डेफिनेटली एक रेवोल्यूशन है मोबाइल गेमर्स के लिए। यानी कि आप लोगों को यहाँ पे द लास्ट ऑफ अस, जो कि हमारे पास कंसोल का टाइटल निकल के आता है, उस टाइप का गेम यहाँ पे अपने मोबाइल फोन के ऊपर देखने को मिल रहा है। गेम में आप लोगों को ऑसम ग्राफिक्स देखने को मिलते हैं, एक वास्ट ओपन वर्ल्ड एनवायरनमेंट देखने को मिलता है, बहुत ही ज्यादा रियलिस्टिक ग्राफिक देखने को मिलते हैं और डेफिनेटली यार आप लोग ये गेम ट्राई करोगे तो आपको जरूर से पसंद आएगा। गेम की रजिस्ट्रेशन स्टार्ट हो चुकी है और आप लोगों को लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे, जाके आप लोग डाउनलोड कर सकते हो। गेम का साइज एक्सपेक्ट किया जाए दोस्तों के 6 GB का राउंड अबाउट रहेगा और गेम ऑनलाइन रहेगा। तो गाइस बढ़ते हैं अब आगे बात करते हैं इसके नंबर 8 गेम की, जो कि हमारे पास लॉस्ट लाइट।
अब लॉस्ट लाइट नाम का ये जो गेम है ना दोस्तों, आप लोग कह सकते हो एक बैटल रॉयल का कॉन्सेप्ट भी आप लोगों को देगा, एक आप लोग कह सकते हो कि रियल लाइफ सिमुलेशन का भी एक्सपीरियंस देगा और आप लोगों को सर्वाइव भी करना है। यानी कि यहाँ पे आप लोगों को डिफरेंट तीन मोड देखने को मिल जाएंगे, जहाँ पे एक मोड तो रहने वाला है बैटल रॉयल, यानी कि आप लोगों को दूसरे प्लेयर्स को एलिमिनेट करना है और उनको ख़त्म करना है और लास्ट मैच रनिंग बनना है। दूसरा आप लोगों को मोड देखने को मिलेगा जहाँ पे आप लोगों ने सर्वाइव करना है, दूसरे लोगों के साथ ट्रेडिंग करनी है और ज़िंदा रहना है। और तीसरा मोड आप लोगों को देखने को मिल जाएगा बैटल फील्ड वाला, जो कि आप लोगों को काफ़ी ज़्यादा इंजॉयबल लगने वाला है। गेम का साइज यहाँ पे है दोस्तों 3GB का राउंड अबाउट, गेम ऑनलाइन है और कॉल ऑफ ड्यूटी से मिलते जुलते ग्राफिक्स आप लोग कह सकते हो या उससे भी ज़्यादा कमाल के ग्राफिक्स आप लोग कह सकते हो इस गेम के रहने वाले हैं। तो गाइस बढ़ते हैं हम आगे, बात करते हैं इसके नंबर 9th यानी सेकंड लास्ट गेम की। तो हमारे पास है दिस वॉर ऑफ माइन। अब हाँ, मुझे पता है कि दिस वॉर ऑफ माइन एक प्लेटफॉर्म स्टाइल का गेम है, लेकिन यहाँ पे इस गेम में आप लोगों का सर्वाइव इस तरह करना है कि वर्ल्ड वॉर 2 का एरा है और वहाँ की स्टोरी लाइन आप लोगों को देखने को मिल रही है। यानी कि एक आदमी है जो कि अपनी फैमिली से बिछड़ चुका है और वो कैसे बिछड़ा, क्यों बिछड़ा है, अब वो कैसे मिलेगा, ये आप लोग स्टोरी खेलोगे तो आप लोगों को पता चलेगा। गेम काफ़ी ज़्यादा अमेजिंग है और ये गेम क्रॉस प्लेटफॉर्म पे अवेलेबल है, यानी कि आप लोग पीसी कंसोल पे भी खेल सकते हो, तो आप लोग सोच सकते हो कितना अमेजिंग गेम रहने वाला है। तो दोस्तों हम बढ़ते हैं आगे, बात करते हैं इसके फाइनल यानी नंबर 10 गेम की। तो हमारे पास है आर्क सर्वाइवल इवॉल्व्ड। अब ARK 2 नाम का गेम भी हमारे पास 2023 में देखने को मिल रहा है, लेकिन ARK सर्वाइवल इवॉल्व्ड आप लोग बिल्कुल मिस मत करना, क्योंकि यहाँ पे आप लोगों को देखने को मिल जाएंगे डायनासोर जो कि आप लोगों के खून के प्यासे हैं। अब आप लोग यहाँ पे इस गेम के अंदर हो एक आइलैंड पे जहाँ पे बहुत सारे आप लोगों को डिफरेंट स्पीशीज मिल जाएंगी डायनासोर की, जो कि आप लोग राइड भी कर सकते हो। बहुत सारे ऐसे डायनासोर है जो कि आपको मारेंगे और आप लोगों ने भी उनको मारना है। गेम का साइज यहाँ पे है दोस्तों 2.1 GB और गेम ऑनलाइन है। दोस्तों बस ये थे वो सारे के सारे गेम जो कि आज की स्टूडियो मैंने आप लोगों को बताए थे। हो कर तो आपको अच्छी वीडियो अच्छी लगी होगी, अच्छी लगी वीडियो तो जल्द कर दो वीडियो का लाइक, चैनल पे पहली दफा आए तो जल्द से मार दो सब्सक्राइब। और हाँ, जाने से पहले ये याद करूँगा कि मेरे दूसरे चैनल यानी रबील गेमर को जाकर सब्सक्राइब जल्दी से मार लो, वहाँ पे आप लोगों को काफ़ी तगड़े गेमिंग वीडियोज देखने को मिल जाएंगे। और बस मिलता हूँ मैं आप लोगों से नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए रखो अपना हेल और नेक्स्ट वीडियो तक के लिए टाटा बाय बाय यानी कट बाय। Push you to your limit. Riding through abandoned truck stops. Small towns.